हेलो गाइस, नमस्ते। तो लास्ट टाइम पे अपन ने NaCl स्ट्रक्चर, ZnS जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं एक और स्ट्रक्चर है CaF2। बस चीजें याद रखनी है यार कि क्या है CaF2 स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको आप फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हो, ठीक है। ध्यान रखें ये भी FCC लेटिस में ही रख रहे हैं अपन। तो देखो, कैल्शियम से डबल क्या है, फ्लोरीन। सिंपल सी ट्रिक है। FCC के अंदर में जो पार्टिकल होते हैं वो एन होते हैं। पार्टिकल से जस्ट डबल क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। यानी जो FCC लैटिस बन रही होगी, सॉरी, जो FCC लैटिस बन रहा होगा वो तो Ca+ Ca2+ आयन बना रहा होगा। और जो जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स है उसमें क्या रखे होंगे, F- आयन रखे होंगे। यानी आपके पास, चूंकि FCC लैटिस कौन बना रहा है, Ca2+, यानी कैल्शियम आयन कितने होंगे, चार, और वहीं आठ क्या हो जाएंगे आपके पास, फ्लोराइड आयन हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो कैल्शियम कितने हैं, चार, फ्लोराइड आठ, 1:2 इनका पार्टिकल का रेशियो। अब कोऑर्डिनेशन क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इनके अपोजिट होंगे। कैसे, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आठ और फ्लोराइड का होगा कितना, चार। तो 2:1 इनका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आ जाएगा। और आपको पता ही था कि कॉर्नर वाला पार्टिकल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, √Ta/√3A/4। तो कैल्शियम आयन कॉर्नर पे है और F- टेट्राहेड्रल वर्ड्स में, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, √3A/4, ठीक है। हाँ, अब देखा यह गया है कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम की रेडियस 100 पिकोमीटर और फ्लोराइड की 133 पिकोमीटर है। अगर इनका रेशियो देखें तो 0.75 के आसपास आता है। तो 0.75 किस में लाई कर रहा है, कौन से रेडियस रेशियो में लाई कर रहा है, 0.732 से 1 वाले में, अभी क्यूबिकल अरेंजमेंट में, यानी क्यूबिकल अरेंजमेंट में। यानी इसको ज्यादा अच्छा इमेजिन करना उसमें होगा कि F- आयन तो क्या बना रहे हैं, HCC लैटिस, और जो Ca2+ है वो कहाँ रखे हुए हैं आपके पास, अल्टरनेटिव क्यूबिकल वॉइड्स में। अल्टरनेटिव क्यूबिकल वॉइड में आपके पास क्या पड़े, कैल्शियम आयन पड़े हुए, ठीक है। तो इसको अच्छा इमेजिन करना है, इस स्ट्रक्चर को, CF2 स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छा इमेजिन करना है। उसमें अच्छा इमेजिन कर सकते हो कि जो F- आयन है वो तो क्या बना रहा हो आपको, सिंपल HCC लैटिस बना रहा हो, और अल्टरनेटिव क्यूबिकल वॉइड्स में क्या रखे हुए आपके पास, कैल्शियम 2+ आयन रखे हुए, ठीक है साहब। तो इस बात को ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, Na2O टाइप स्ट्रक्चर। जस्ट इसका अपोजिट टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा अरेंजमेंट में। Na2O स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कुछ अदर एग्जाम्पल जैसे Na2O है, Na2S हो गया, K2O हो गया, K2S हो गया, Cl2 हो गया, Li2S हो गया, एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होगा आप खुद बताइए, जो ऑक्साइड आयन है वो तो क्या बनाएगा, FCC लैटिस बनाएगा, और वो कितने आ जाएंगे, चार आ जाएंगे। और Na2+ कहाँ होंगे, सॉरी, Na+ कहाँ होगा, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, आठ। तो जस्ट इसके क्या आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, यानी Z4 होगा। Z कितना होगा, 4 हो जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल के रेशियो की अगर मैं बात करूं, पार्टिकल रेशियो की बात करूं, Na+ सोडियम प्लस और ऑक्साइड आयन, Na+ कितना है, 8, ऑक्साइड कितना है, 4, तो कितना आ गया, 2:1। और कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात करूं तो Na+ के सराउंडेड कितने ऑक्साइड होंगे, चार, और ऑक्साइड के अराउंड कितने Na+ होंगे, आठ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1:2 रेशियो। तो ये Na2 टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, बस इनको इतना सा ही याद रखना है इनके बारे में। फिर बात कर रहे हैं अपन CsCl स्ट्रक्चर, कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रक्चर,
सॉरी सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर CsCl, कौन सा सीजियम क्लोराइड लिखे हैं आप, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। अगर मैं इनके रेडियस रेशियो की बात करूं सीजियम प्लस के और सीएल माइनस के, तो 161 पिकोमीटर इसकी रेडियस और 181 पिकोमीटर इसकी, तो लगभग 0.93 के आसपास इनका रेशियो आता है, जो कि किसमें लाई कर रहा है ये 0.732 से कौन से वाले में, वन वाले में, यानी कैसा अरेंजमेंट होगा ये क्यूबिकल वॉइड अरेंजमेंट होगा। तो जो Cl- आयन है वो तो क्या बनाएंगे आपके पास SCC लैटिस, डन ठीक है, और जो Cgm+ आयन होगा वो कहां होगा क्यूबिकल वॉइड में, वो कहां होगा क्यूबिकल वॉइड में, ठीक है। अब HCC बना रहा है और Cgm कहां है क्यूबिकल वॉइड में, ये सारे क्लोरीन है और इन पे बीच में जो वॉइड बन रहा है ये क्या है सीजियम है, दिस इज सीजियम प्लस और ये क्या है क्लोराइड आयन, यानी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस देखूं तो कितना होगा, इस एक सीजियम के को कितने क्लोराइड टच कर रहे हैं 8, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड माइनस देखूं तो वो भी कितना आएगा 8। Done. तो ये कितना हो जाएगा, ये एक तरह से कैसा स्ट्रक्चर दिखने में आ रहा है ये, कि एक तरह से देखो तो बॉडी सेंटर्ड जैसा आ रहा है ना। अच्छा क्लोरीन का कैसे होगा 8, क्लोराइड का कैसे 8 हो जाएगा, एक इसको एक सीजियम ये टच करेगा, एक इधर बॉडी सेंटर वाला टच करेगा, दो एक यहां जो आगे होगी क्यूब उसके बॉडी पे जो बॉडी सेंटर पे जो सीजियम होगा वो टच करा होगा, तीन एक इधर वाला, चार और चार ही कहोगे ऊपर होंगे, तो इस तरह से 8 सीजियम इसको सीजियम प्लस आयन इसको टच कर रहे होंगे, यानी ये कौन सा अरेंजमेंट है 8:8 अरेंजमेंट, ठीक है। NaCl कैसा आया था 6:6 अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है आपके पास में, बस यही बातें आपको याद रखनी है यार। Not on increasing, on increases temperature, coordination number decreases, means on increasing temperature, eight is to eight arrangement, yani cesium chloride arrangement gets converted into NaCl type arrangement, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड का अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह से होता है 8:8 में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NaCl, यानी 6:6 टाइप अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, मतलब ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर गेट्स कन्वर्टेड इंटू NaCl स्ट्रक्चर, डन। 4:4 अरेंजमेंट होता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो 4:4 अरेंजमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है 6:6 अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है साहब। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर थे कुछ क्रिस्टल्स के, ठीक है। तो इन बातों को अपन ध्यान रखेंगे। अब कुछ स्ट्रक्चर है स्पाइनल वगैरह, स्पाइनल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है।
ये नोट करो। नेक्स्ट है आपके पास स्पाइनल स्ट्रक्चर और परोस्काइट स्ट्रक्चर, है ना। स्पाइनल स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपके पास AB2O4, जिसमें A होता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर में, B होता है +3 ऑक्सीडेशन में, और ऑक्साइड तो -2 है ही। आप इनके इनके चार्ज बैलेंस करो यार। देखो ऑक्साइड के कारण कितना हो गया होगा, 4 ऑक्साइड है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, -8। ठीक है, अब आपको पॉजिटिव भी कितना चाहिए, 8 चाहिए, है ना। तो देखो B के ऊपर कितना है +3, तो B 2 है तो कितना आ जाएगा +6, और A के कारण +2, तो +6 +2 कितना हो गया +8। तो 8 ही नेगेटिव में आ रहा है और 8 ही पॉजिटिव में आ रहा है। अच्छा A2+ कहाँ होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड कहाँ होते हैं, FCC पे। ऑक्साइड कहाँ होते हैं, FCC, यानी 4 हो गई। अब बात करते हैं A2+ की। A2+ होते हैं 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/8 पोर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यार सोचो, अपने पढ़ा था कि जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं जितने पार्टिकल होते हैं, तो FCC बना रहा है, ये पार्टिकल कितने हैं, 4, 4 यानी 8 आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो उसका 8 पोर्शन, 1/8 पोर्शन कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो A2+ कहाँ होते हैं, याद रखना 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और B3+ कहाँ होते हैं, B3+ होते हैं हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, देखो एग्जांपल Fe3O4, ठीक है, मैग्नेटाइट और Mn3O4 पर मैग्नेटाइट। ये क्या है, इसमें जो आयरन है वो Fe2 में भी है और Fe3 में भी। इसको इस तरह से अगर इस फॉर्म में रखे लिखे हैं तो इस फॉर्मेट में इसको लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, इसी तरह इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर है, सिंपल सा याद रखना है आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका Ab2O4 होता है। ऑक्साइड लाई एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर बिकॉज ऑक्साइड्स फॉर्म FCC लैटिस। A2+ लाइज या A2+ प्रेजेंट एट 1/8 पोर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड B3+ प्रेजेंट एट द हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऐसे होता है परोस्काइट स्ट्रक्चर, AbO3 टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर A तो होता है आपके पास +2 में, B होता है +4 में, और ऑक्साइड -2 है। चार्ज बैलेंस करके देख लीजिए यार, -6 नेगेटिव है और +6 पॉजिटिव है। यहाँ पे जो A2+ होता है वो कॉर्नर्स पे होता है, और जो B4+ होता है वो बॉडी सेंटर में होता है, और जो ऑक्साइड होते हैं वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल BATIO3। ठीक है, ऐसे कोरंडम स्ट्रक्चर होता है यार, AL2O3 स्ट्रक्चर, है ना, ये लिख लो यार, ये लिखिए आपके पास, लिख लीजिए AL2O3 स्ट्रक्चर भी होता है, कोरंडम स्ट्रक्चर। फिर इतना सारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार रीड कर लें, कोरंडम स्ट्रक्चर, AL2O3, इसके अंदर जो ऑक्साइड्स होते हैं O2-, ये तो HCP बनाते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, यानी तो 6 हो गए, ये तो कितने हो गए, एक तरह से देखा जाए तो 6 पार्टिकल। और एल्यूमिनियम 3+ की मैं बात करूं तो ये होते हैं 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कितना हो गया 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में, क्या होगा, देखो ये 6 है तो ये भी कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल भी कितने होंगे, 6 होंगे। अगर आप देखें ऐसे एल्यूमिनियम 3+ और ऑक्साइड आयन, ये 6 है चूंकि, क्यों, क्योंकि ये HCP बना रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 6 ही होंगे, जितने पार्टिकल है उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, तो ये कितने हो जाएंगे 2/3 × 6, तो ये कितना गया 2, 4:6, यानी कितना आया 2:3। तो देखो AL2O3, तो ये कोरंडम स्ट्रक्चर है। अच्छा, अपन ने कार्बोरंडम पढ़ा था, कार्बोरंडम का फॉर्मूला याद करो क्या था, हाँ सिलिकॉन कार्बाइड, उसको कार्बोरंडम बोलते हैं, इसको कोरंडम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर थे। ठीक, अब आपके पास है ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन, है ना, यानी आपके पास टेट्राहेड्रन है, और ट्रंकेटेड का मतलब उसकी जो एजेस है उनको कट किया गया है, उनकी एजेस को क्या किया गया है, कट किया गया है, जितने भी जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस पे जहां एजेस मिल रहे हैं उनको क्या किया गया है, कट किया गया है। जैसे ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन है, देखना यार,
ये ट्राइंगल था ये आपके पास क्या है एक टेट्राहेड्रन है ठीक है। अब क्या किया है अपन ने एज को कट किया है ठीक है कुछ इस तरह से एजेस को कट किया है तो यहां पे क्या बन रहा है वापस इनको मिलाओगे तो क्या बन रहा है ट्राइंगल। ऐसे ही यहां पे कट करोगे ऐसे ही यहां पे कट करेंगे तो क्या बनेगा यहां पे भी क्या बनेगा ट्राइंगल ठीक है। ऐसे ही यहां पे ट्राइंगल बनेगा और ऐसे ही यहां पे क्या बनेगा ट्राइंगल बनेगा ऐसे ही यहां पे ट्राइंगल बनेगा और यहां पे ट्राइंगल बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ वर्टिसेस वर्टिसेस कितने हो गए आपके पास देखो एक दो तीन तीन कोने यहां पे आ गए तो थ्री इंटू फोर कितने आ जाएंगे आपके पास 12 कॉर्नर वर्टिसेस आ जाएंगे। नंबर ऑफ एजेस की बात करें यार पहले एज कितनी थी ओल्ड एज बताइए 1 2 3 4 5 6 सिक्स एजेस पहले थी अब कितनी आ गई होगी देखो एक ट्राइंगल पे तीन एज आ रही है एक ट्राइंगल पे तीन एज बन रही है तो चार ट्राइंगल बन रहे तो कितने आ जाएंगे 12 ये तो ओल्ड और ये न्यू तो टोटल एजेस कितनी हो गए आपके पास 18 टोटल एजेस कितनी हो गई 18। नंबर ऑफ फेसेस की बात करो यार नंबर ऑफ फेसेस ठीक है तो ये कौन से फेज आ रहे हैं ट्राइंगुलर तो फोर तो कौन से फेज आ गए आपके पास ट्राइंगुलर फेज कौन से आ गए ट्राइंगुलर फेज आ गए है ना ट्राइंगल आ गए। अब ये कौन से बन रहा होंगे ये देखो 1 2 3 4 दिस 5 एंड 6 तो ये क्या बन रहे 4 ही आपके पास कौन से फेज बन रहे होंगे हेक्सागोनल फेज किस टाइप के फेज बन रहे होंगे हेक्सागोनल फेज बन रहे होंगे। अगर मैं इन सबको रब करूं केवल ये आगे वाला फेज रहने दूं आगे वाला फेज रहने दूं ठीक है तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 किस टाइप का हो रहा है ये हेक्सागोनल फेज टाइप का हो रहा है ठीक है तो ये आपके पास क्या हो गया ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन। इसी तरह से आप बात कर सकते हो किसकी ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन की तो ये सारे क्वेश्चंस आप पहले ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में बनाइए फिर अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रॉन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन वही कि आपको उनकी क्या क्या कैलकुलेट करनी है यार नंबर ऑफ वर्टिसेस कॉर्नर कितने हो गए नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ फेजेस आपको कैलकुलेट करने तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रॉन बनाओ यार तो कुछ इस तरह से ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे हैं अपन ऊपर और नीचे पार्टी का वही आपको इसको कट करना है तो यार ध्यान से देखो यहां पे एक स्क्वायर बनेगा यहां पे कैसा फेस बनेगा एक स्क्वायर फेस बनेगा कैसा बनेगा स्क्वायर फेस। सबसे पहले बात तो इस ऑक्टाहेड्रॉन में पहले एजेस कितनी थी पहले एज की बात कर लो पुरानी एजेस काटने से पहले एजेस कितनी थी चार ऊपर आ रही चार नीचे और चार ये कितनी थी 12 ये तो ओल्ड हो गई ठीक है। अब वर्टिसेस की बात करो इस एक कॉर्नर को काटने पे स्क्वायर बन रहा है तो 1 2 3 4 वर्टिसेस यहां पे बन रहे हैं ऐसे कितने आपके पास कॉर्नर है 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 स्क्वायर बनेंगे
तो 4 × 6 करने पे कितने वर्टिसेस आ जाएंगे आपके पास? 24 वर्टिसेस आ जाएंगे। अच्छा, पुरानी एज आपके पास 12 है, न्यू एज यानी स्क्वायर बनने पे एज कितनी आएगी? वही 24 आ जाएगी। कैसे? क्योंकि एक स्क्वायर पे कितनी एजेस आ रही है? 4। आपके पास कितने स्क्वायर बनेंगे? 6, तो 24 ये, यानी टोटल एजेस कितनी हो जाएगी आपके पास? हाँ जी, 24 + 12 = 36। ठीक है, तो वर्टिसेज हो गए आपके पास 24, एजेस हो गई 36। अब बात करो फेजेस की, कि फेज कौन कौन से होंगे। स्क्वायर फेज कितने आ जाएंगे? 6 स्क्वायर फेज। अच्छा, और हेक्सागोनल फेज कितने आएंगे आपके पास? हाँ, 8 फेज। ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, यानी 8 फेजेस पहले से ही थे, वो कट करने के बाद कैसे हो गए हेक्सागोनल। हेक्सागोनल फेज यानी कितने फेजेस है टोटल? 14 फेजेस है। आपके पास क्वेश्चन है ट्रायंगुलर फेज इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में ट्रायंगुलर फेज कितने हैं? 0। कितने हैं? 0 है साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्यूब से रिलेटेड, ट्रंकेटेड क्यूब का, ट्रंकेटेड क्यूब। जैसे टेट्राहेड्रॉन में किया था वैसे अपन ने यहां पे दिखा है। अब बात करें ट्रंकेटेड क्यूब, ठीक है, क्या करना है? इसको कट किए एजेस को, वर्टिसेस को, क्या बन गया? ट्राइंगल। क्या बन गया? ट्राइंगल। ऐसे ही यहां पे क्या बन जाएगा? 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 ट्राइंगल। ऐसे यहां पे भी क्या बनेगा? ट्राइंगल। यहां पे भी क्या बनेगा? ट्राइंगल। यहां पे भी क्या बनेगा सब? ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन गए। आपने एजेस को क्या कर दिया? कट कर। तो देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस, कॉर्नर्स कितने बने? एक ट्राइंगल बनने पे 3 कॉर्नर बन रहे हैं, तो टोटल आपके पास कितने ट्राइंगल बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो कितने आ गए साहब? नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ट्रंकेटेड क्यूब इज 24। नंबर ऑफ एजेस यार 12 तो पुरानी थी ही पहले से ही। अब ट्राइंगल बनने के कारण, ट्राइंगल बनने के कारण, एक ट्राइंगल के कारण 3 एज और आ गई, यानी टोटल 8 × 3 = 24 एज और आ गई न्यू। तो ओवरऑल कितने हो गए? 36 एजेस हो गई। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ फेसेस। तो ट्राइंगुलर फेस कितने आए? 8। अच्छा, पहले कितने फेस थे क्यूब में? कितने फेस होते हैं? 6। तो ये कौन से फेस आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये वाला कौन सा फेस आ गया जिसमें 8 वर्टिसेस आ रहे हैं? ये वाला फेस अब कैसा हो गया? पहले तो स्क्वायर फेस था, अब कैसा हो गया ये? हाँ जी, अब कैसा हो गया है? ऑक्टागोनल। कैसा हो गया है? ऑक्टागोनल। तो टोटल कितने हैं? 14 फेसेस हैं। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर फेस कितने हैं? 0। हेक्सागोनल फेस कितने हैं? 0। आ रही है बात समझ में? तो ये ट्रंकेटेड आपके पास क्या थे? क्यूब था। तो ये ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रल हेड्रॉन, ट्रंकेटेड अपन ने ऑक्टाहेड्रॉन पढ़ा, और ट्रंकेटेड आपने क्या पढ़ा? क्यूब पढ़ा। ठीक है, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रल, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल का क्वेश्चन आपके IIT में आया हुआ है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है जिसमें डिफेक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। ठीक है, जिसमें वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, इन चीज़ों को सबको याद करना, इन चीज़ों को मेमोराइज रखना, सारे स्ट्रक्चर देखना, सारे फॉर्मूलाज वगैरह रिमेम्बर करना, याद करना, फिर इसके ऊपर अपन
कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं अगर आपको सारे कंसेप्ट याद है और सारी जो पिक्चर्स है इसकी क्रिस्टल्स की वो सारी आपके माइंड में इमेजिंग हो रही है और चल रही है, तो अच्छे से इसका रिविजन करें, ठीक है। थैंक यू, इसको अच्छे से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकें। थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ, ठीक है, थैंक यू।